तो देखिए, निचले वाले लेयर हमारे जैसे के वैसे ही है। यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला है ऐसा मानकर आपको यहाँ पे उल्टा एल कैसे बनाना है, लाइन कैसे बनानी है, प्लस कैसे बनानी है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। इसके लिए फॉर्मूला हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। अब देखिए फॉर्मूला कैसे है। अगर आपको यहाँ पे ये जो सॉल्व करते करते यल मिला है, तो आपको क्यूब को ऐसे पकड़ना है, यानी यल का एक जो है वो यहाँ पे राइट में जाएगा और एक हमारी तरफ आएगा, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो आप क्यूब को किसी भी एंगल से पकड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रंट को आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, फ्रंट को क्लॉकवाइज, यानी एफ आएगा इस प्रकार से, फ्रंट हमारा क्लॉकवाइज घुमा। अब राइट को हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, नीचे से ऊपर राइट को, यानी यहाँ हमारा आर आ जाएगा। अब ये अपर का है, इसको हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है, तो यू आएगा, ओके। अब एफ आर यू को आपको क्या करना है, उल्टा करना है। कैसे करना है, देखिए आर को हमने नीचे से ऊपर लाए थे, इसलिए ऊपर से नीचे, यानी आर हमारा क्या होगा, डैश आ जाएगा इस प्रकार से, ओके। अब यू को हमने इस प्रकार से घुमाएंगे घुमाए थे, इसलिए हमें फिर से वापस लाना है, यानी हमें यहाँ पे यू हमारा डैश आ जाएगा। और फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाए थे, इसलिए फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमारा फ एफ जो है वो इस प्रकार से आ जाएगा, ओके। तो फॉर्मूला बनता है एफ आर यू आर डैश यू डैश एफ। देखिए ऐसा करने से हमें यहाँ पे एक लाइन मिली है, यहाँ पे एक और एज मिल चुका है, लेकिन इसको हमें इग्नोर करना है, हमें खाली यहाँ पे यल से मतलब है। अब इसी फॉर्मूला को दोस्तों आपको फिर से दोहराना है जब तक आपका यहाँ पे प्लस नहीं बनता। खाली आपको यल में क्यूब को कैसे पकड़ना है, लाइन में क्यूब को कैसे पकड़ना है, ये आपको यहाँ पे सीख लेना है। अब देख लीजिए, आप अगर आपका उल्टा यल है तो क्यूब आप इस प्रकार से पकड़ोगे, इस प्रकार से पकड़ोगे तो गलत होगा, इस प्रकार से पकड़ोगे तो भी गलत होगा, इस प्रकार से पकड़ोगे तो भी गलत होगा, आपको क्यूब को खाली ऐसे ही पकड़ना है, ओके। और यही फॉर्मूला को आपको फिर से करना है, आपको लाइन मिल जाएगी। देखिए फ्रंट को क्लॉकवाइज, फ्रंट क्लॉकवाइज, उसके बाद आर क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट एंटी क्लॉकवाइज। देखिए लाइन मिलती है, लाइन मिली, लाइन मिलने के बाद क्यूब को आप ऐसे मत पकड़िए, क्यूब को आप ऐसे पकड़िए, ऐसे मत पकड़िए, या फिर ऐसे पकड़िए, ओके। फिर से आपको वही स्टेप करनी है, यही फॉर्मूला करना है, और आपको यहां पे प्लस मिलेगा। फ्रंट को क्लॉकवाइज, राइट को क्लॉकवाइज, अपर को क्लॉकवाइज, अब राइट को एंटी क्लॉकवाइज, अपर को एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। देखिए प्लस मिला, ओके। अब प्लस मिलने के बाद दोस्तों होता यह है कि यहां पे जैसे हम नीचे प्लस बनाते हैं उसके बाद दो कलर मैच कर जाते हैं ना, उसी प्रकार से यहां पे प्लस बनाने के बाद दो कलर मैच कर जाते हैं। अगर आपका लक अच्छा हो तो ये वाले मैच कर जाते हैं, ये वाले भी मैच कर जाते हैं, ये वाले भी मैच कर जाते हैं, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे दो कलर जब आप प्लस बनाते हो तो मैच कर जाते हैं, उस सिचुएशन में आपको क्यूब को, यानी इन सबको कैसे मैच करना है वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करने के बाद दिखा दूंगा, ठीक है। उसको कैसे, किस फॉर्मूला की मदद से आप जो है इस प्रकार से चारों को मैच आप कर लेते हो, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इस प्रकार से होता है जब आप प्लस बनाते हो, ठीक है, तो ये वाला और ये वाला मैच कर जाता है, ठीक है ना, ये वाला देख सकते हो आप, ये वाला और ये वाला मैच कर जाता है, ओके, और ये वाला मिसमैच रह जाता है और ये वाला मिसमैच रहता है। तो इसको हम फॉर्मूला की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्यूब को कैसे पकड़ना है ये समझ लेना है, मैच रहेगा एक लेफ्ट में रहेगा और एक आपके अपोजिट में रहेगा, क्यूब को ऐसे पकड़ना है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, ये वाला मैच करता है और ये वाला मैच करता है, तो क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है, और यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा वो करने के बाद इस सिचुएशन में आ जाओगे, ये वाला और ये वाला मैच होने का जो सिचुएशन है उसमें आ जाओगे। अब देखिए हमने क्या किया है, ये वाला मैच है और ये वाला मैच है, तो क्यूब को इस प्रकार से पकड़ा है। अब फॉर्मूला देखिए क्या है, ठीक है, आपको राइट को क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा एक बार, यानी हमारा आर आ जाएगा, ओके। अब अपर का जो लेयर है इसको दो बार क्लॉकवाइज, यानी दो बार यू आ जाएगा,
एक बार और दो बार। ओके, अब इसको ऊपर से नीचे से ऊपर लाए थे, ऊपर से नीचे लाना है, यानी कि आर हमारा डैश आ जाएगा इस प्रकार से। अब इसको एक बार वापस लाना है, यानी कि यू हमारा डैश आ जाएगा। इसको ऊपर से नीचे लाए थे, नीचे से ऊपर, यानी फिर से हमारा आर आ जाएगा, फिर से यू डैश आ जाएगा। ठीक है, फिर से इसको हमें नीचे करना है, तो हमारा आर डैश आएगा, यू को फिर से वापस यू डैश आ जाएगा। तो ऐसा करने से दोस्तों होगा ये, हमारा ये वाला मैच कर जाएगा, ये वाला मैच कर जाएगा, ये वाला मैच कर जाएगा, ये वाला। फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनता है, आर यू यू आर डैश यू डैश आर यू आर डैश यू डैश। ठीक है, इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और इस फॉर्मूला की मदद से आपको ये वाले आपके सेम हो जाएंगे दोस्तों। इसी फॉर्मूला की मदद से अगर ये वाले और ये वाले सेम होते हैं ना, क्यूब को ऐसे पकड़िए, इसी फॉर्मूला से कीजिए, ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, क्यूब को ऐसे पकड़िए, फिर से यही फॉर्मूला कीजिए, आपका प्लस भी बरकरार रहेगा, ये वाले सब चारों के चारों मैच कर जाएंगे। अब चारों के चारों मैच करने के बाद ये जो कोने हैं ये ठीक से बैठे हैं कि नहीं, ये आपको जांच लेना है। अब ये जांचने के लिए आपको करना ये है कि मान लीजिए क्यूब को आप इस एंगल से पकड़ते हो, तो ये व्हाइट कलर जो है एक तो यहां पे कहीं पे भी दिखना चाहिए, यहां पे कहीं पे तो दिखना चाहिए, यहां पे कहीं तो दिखना चाहिए। ओके, अगर ये एक एक दिख जाता है, उसके बाद इसको चेक कीजिए, उसके बाद इस, यानी तीन कलर को चेक करना है, ये तीन कलर आपको इस एंगल से दिखने चाहिए। ठीक है, कभी कभी दो दिखते हैं, कभी कभी एक दिखता है, तीनों के तीनों दिखते हैं तो मान लीजिए आपका ये एज जो है ठीक से बैठा हुआ है। ओके, अब यहां से देखिए रेड कहीं पर भी आपको नहीं दिखना, ये गलत बैठा है। अब यहां पे देखिए येलो यहां पे है, ऑरेंज आपको कहीं कहीं पर भी नहीं दिखेगा, यहीं पे भी नहीं है, ये रेड है, ये येलो है, यानी ये भी गलत बैठा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये वाला यहां पे है, येलो कहीं पे भी नहीं है, यानी चारों कोने जो है हमारे ठीक से नहीं बैठे हैं। मुझे लगता है एक वाला ठीक से बैठा है, देखिए व्हाइट यहाँ पे है, ऑरेंज यहाँ पे है, और ये जो ब्लू है यहाँ पे, यानी एक ठीक से बैठा है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपका लक अच्छा हो, यहाँ पे प्लस बनाने के बाद इसको अगर मैच करते हो, आपके कोने भी ठीक से बैठ जाते हैं। कभी कभी लक इतना अच्छा हो तो होता है क्यूब ही सॉल्व हो जाता है। ओके, लेकिन हर वक्त होगा इसकी गारंटी नहीं है, तो आपको क्या करना है ये आपको समझ लेना है। ठीक है, अगर एक ठीक से बैठा है तो आप क्यूब को ऐसे पकड़िए, जो ठीक से कोना बैठा है इसको आप क्या करेंगे, राइट में रखेंगे, और आपको एक फॉर्मूला करना है। अगर एक भी आपका एजेस ठीक से नहीं बैठा तो आप क्यूब को किसी एंगल से पकड़ सकते हो। अब इन दैट केस हमारा एक ठीक से बैठा तो हम क्या करेंगे, क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे। अब फॉर्मूला देखिए क्या है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा लेफ्ट को, यानी लेफ्ट जाएगा ऊपर, यानी लेफ्ट होगा हमारा यल डैश। ओके, अब टॉप को क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी यू को क्लॉकवाइज। अब राइट को आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी आर हमारा सिंपल आ जाएगा। अब यू को आपको बैक लाना है, यानी यू हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, फिर से यल को हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, तो यल हमारा सिंपल हो जाएगा। अब इसके बाद टॉप को यू को टॉप क्लॉकवाइज घुमाइए, यानी यू सिंपल हो जाएगा। उसके बाद राइट को नीचे करना है, यानी आर होगा हमारा डैश। ओके, अब टॉप का फिर से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इस प्रकार से, यानी यू हमारा डैश हो जाएगा। ओके, अब ऐसा करने से दोस्तों आपको देखना है कि फिर से हमारे कोने ठीक से बैठते हैं कि नहीं, ठीक से बैठ भी जाते हैं कभी नहीं बैठते, फिर वही आपको यही फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। ठीक है, ये हमारा ठीक से बैठा था, ये खराब नहीं होगा। अब देखिए रेड नहीं है कहीं पर भी, यानी फिर से गलत बैठा है। व्हाइट कहीं पर भी नहीं, फिर से गलत बैठा है। और यहाँ पे देखिए येलो कहीं पर भी नहीं, फिर से, यानी वही स्टेप आपको क्यूब को फिर से ऐसे ही पकड़ना है और इसी फॉर्मूला को रटना है, और आपका सभी के सभी जो कोने हैं वो ठीक से बैठ जाएंगे। देखिए लेफ्ट जो है एंटी क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर जाएगा, यू क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, आर क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, यू एंटी क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, उसके बाद यल क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, यू क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, आर एंटी क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, और यू एंटी क्लॉकवाइज है। अब आपके सभी के सभी जो कोने हैं वो ठीक से बैठ जाएंगे। देखिए येल्लो यहाँ पे है,
ऑरेंज यहाँ पे है, ग्रीन सॉरी ब्लू यहाँ पे है, रेड यहाँ पे है, येलो यहाँ पे है, ब्लू यहाँ पे है, रेड यहाँ पे है, व्हाइट यहाँ पे है, ग्रीन सॉरी ब्लू यहाँ पे, यानी आपके कोने सभी के सभी ठीक से बैठे हैं, लेकिन जैसे ये वाले बैठे हैं उस प्रकार से नहीं बैठे हैं। यानी कि आपको क्या करना है, कोने ठीक से बैठे, अभी आपको कोनों को अगर आप ठीक से बिठाओगे तो इस प्रकार से बैठेंगे और आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम कैसे किस फॉर्मूला की मदद से कर सकते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ठीक है, कोनों को ठीक से बिठाना है, इसके लिए यहाँ पे जो स्टेप करेंगे वही स्टेप हम यहाँ पे करने वाले हैं। 90% आपका क्यूब सॉल्व हो चुका है। अब फॉर्मूला देखिए क्या है। ठीक है, आर को क्लॉकवाइज घुमाना है, आर ऊपर जाएगा यानी आर हमारा क्लॉकवाइज, उसके बाद टॉप जो है, यू जो है, ये 2 बार क्लॉकवाइज घूमेगा, 1 बार और 2 बार, यानी हमारा आर डब्ल्यू हो जाएगा। इसके बाद इसको ऊपर लिए थे, नीचे लाना पड़ेगा, यानी आर हमारा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यू को 1 बार एंटी क्लॉकवाइज, यू डैश, आर को क्लॉकवाइज, आर, यू को एंटी क्लॉकवाइज, यू डैश, फिर से आर एंटी क्लॉकवाइज यानी आर डैश। अब इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें लेफ्ट में भी करना है। अब लेफ्ट के लिए फॉर्मूला देखिए क्या बन जाता है। ओके, लेफ्ट के लिए फॉर्मूला इस प्रकार से हम बनाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, आपको दिखना चाहिए फॉर्मूला। ओके, अब देखिए लेफ्ट को, लेफ्ट हमारा नीचे से ऊपर जाएगा, यानी यल होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, यल डैश, टॉप को एंटी क्लॉकवाइज 2 बार, यानी यू डैश यू डैश यू डैश यू डैश। ओके, ये ऊपर गया था फिर नीचे आएगा, यानी क्लॉकवाइज होगा, तो यल हमारा क्लॉकवाइज हो गया। ओके, अब यू जो है इसको हमें वापस लाना है, तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा यू। अब इसको हमें ऊपर लेना है, तो ये यल हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा इस प्रकार से। फिर से इसको हमें वापस लाना है, ओके, तो यू हमारा क्लॉकवाइज घूमेगा और इसको हमें फिर से नीचे लाना है। तो ऐसा करने से अभी तक तो एक भी एज हमारा ठीक से नहीं बैठा है, लेकिन आपको इसी फॉर्मूला को फिर से आपको दोस्तों करते रहना है। ओके, तो फिर से हमें क्या करना है, यही पे करना है, आर क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, यू जो है वो क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, आर एंटी क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, यू एंटी क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, आर क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, यू एंटी क्लॉकवाइज है इस प्रकार से, और आर एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से। अब यहाँ पे जो किया वही हमें यहाँ पे भी करना है, लेफ्ट नीचे से ऊपर जाएगा, यानी लेफ्ट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यू 2 बार एंटी क्लॉकवाइज होगा, यल ठीक है क्लॉकवाइज होगा, यू क्लॉकवाइज होगा, यल एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसके बाद फिर से यू हमारा यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा, और फिर से इसको हमें नीचे करना है, यानी आर जो होगा हमारा यहाँ पे क्लॉकवाइज, यानी बाद में यहाँ पे यल हमें मैं लिखना भूल गया। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए ये साइड तो पूरी सॉल्व हो चुकी है, खाली 2 एजेस हमारे रह चुके हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपका एक एज जो है सॉल्व होता है, तो एक एज अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व इस तरफ रखना है और यही फॉर्मूला आपको रटना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला और ये वाला मैच करता है, तो इसको इस प्रकार से रखिए, ये फॉर्मूला आपको रटना है। ओके, अब इस प्रकार से बन जाता है, तो आपको क्यूब को ऐसे पकड़ना है, यानी सॉल्व होगा वो हमारे लेफ्ट में रहेगा, फिर हमें यही फॉर्मूला से हमें करना है और हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। देखिए आर जो है क्लॉकवाइज घूमेगा, उसके बाद यू है डबल क्लॉकवाइज घूमेगा इस प्रकार से। ओके, आर एंटी क्लॉकवाइज यानी आर डैश, यू एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद आर क्लॉकवाइज, यू एंटी क्लॉकवाइज, आर एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे जो किया वो यहाँ पे करना है, देखिए यल को ऊपर, यल एंटी क्लॉकवाइज, यू 2 बार एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद यल क्लॉकवाइज, यू क्लॉकवाइज, यल एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद यू
क्लॉकवाइज और हमारा क्यूब सॉल्व हो जाएगा इस प्रकार से, इस फॉर्मूला की मदद से। अब दोस्तों अगर फिर भी यही स्टेप आता है तो आपको यही स्टेप फिर से करना है और आपका क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्यूब के वीडियो देखने के लिए, टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए आज ही हमारा ये जो टेक्निकल टीचर चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। इस वीडियो की मदद से अगर आपका क्यूब सॉल्व होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।